अतुल की शादी तो बड़े अच्छे से हो गई, घर में सब काफी खुश हैं। हाँ, आपकी वजह से। मेरी वजह से? आपकी तबीयत ठीक है ना? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ कि आपने काजल के पापा की मदद की है। अमिता, पता नहीं आपको ये सब किसने कहा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर आपने मदद नहीं की होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अमिता, मुझे पता नहीं कि आपको ये सब किसने बताया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। बताइए ना, आपने मदद की है ना? नहीं की। अमित, आपने मदद की है? नहीं की। अमिता, मुझे पता, आपने मदद की है ना? अमिता, मैं बता रहा हूँ कि मैंने मदद नहीं की। अमित, फिर पैसे कहाँ से आए? मुझे ये पैसे एक क्लाइंट को देने थे, वो पैसे मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने उन्हें दे दी। देखा, मुझे पता था कि आपने मदद की है। अरे अमित बेटा, जरा बाहर आना। आया पापा। पापा, आपने बुलाया? हाँ अमित बेटा, वो जो हमारा क्लाइंट है ना, मिस्टर देसाई, उनके 2-3 बार कॉल आ चुके हैं। वो जो हमें उनको पेमेंट देनी थी, जिसका मैंने चेक दिया था तुम्हें, वो कह रहे हैं कि अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। मैंने चेक बैंक में नहीं डाला। क्या? चेक नहीं डाला? क्यों? ऐसे ही। काजल की शादी के लिए उनको पैसा चाहिए था, पैसा था नहीं उनके पास, और इस सारे परेशानी का हल अमित कुमार ने 1 मिनट में दे दिया। मुझे ये पैसे एक क्लाइंट को देने थे, वो पैसे मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने उन्हें दे दी। क्या मतलब है अमित तुम्हारा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मार्केट में हमारी एक साख है, इज्जत है, रेपुटेशन है। वो इसलिए कि हम पेमेंट के मामले में कभी देरी नहीं करते। पापा, मैं आज चेक डाल दूंगा। तुम आज चेक डालोगे, उसके बाद 2 दिन छुट्टी है, फिर संडे। अमित, हम ऑलरेडी 1 हफ्ता लेट हो चुके हैं। समझ में नहीं आया, तुमसे तो कभी इतनी बड़ी लापरवाही हुई नहीं, फिर अब कैसे हो गई? क्या बात है अमित, बताओ मुझे। एक बात है कर मुझसे बेटा, मैंने अपनी परेशानी तुझे बता दी है, अब तू ये बात किसी से मत बताना, किसी से। पापा, थी कुछ वजह, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आज चेक डाल दूंगा। अमित, ये क्या बचपना है? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारी ये गलती की वजह से इतना बड़ा क्लाइंट हमारे हाथ से जा सकता है, और तुम्हें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है? आज चेक डाल दूंगा। काका, काका, आप प्लीज नाराज मत होइए। रोहन, वो क्लाइंट हमारे, वो क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने बैंक से भी कंफर्म कर लिया है और मिस्टर देसाई को भी इन्फॉर्म कर दिया है। दरअसल परसों मैंने ही वो चेक डिपॉजिट करवाया। शाबाश रोहन। पर हाँ रोहन बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि अमित ने चेक नहीं डाला है? सुनिए काका, पिछले काफी दिनों से अमित खोया खोया सा रहता है और पूरी तरह से उसका काम में ध्यान भी नहीं। अब देखो ना, कल ही तो अतुल और काजल के फंक्शंस कंप्लीट हुए, शायद उसमें बिजी होगा। तो जब मुझे पता चला कि मिस्टर देसाई की पेमेंट्स अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अमित को परेशान करने से बेटर है मैं ही सब कुछ हैंडल कर लूं। थैंक यू रोहन, आज तुम्हारी वजह से इतना बड़ा क्लाइंट हमारे हाथों से जाते जाते बचा। अमित, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? थैंक्स यार, तूने मुझे बचा लिया, वरना क्लाइंट चला जाता। अरे भाई हूँ तेरा मैं, अगर मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? देखा, तुम्हारी मां ने कच्ची गोलियां नहीं खेली,
आपने तो कमाल कर दिया मॉम, एक ही बार में बाप बेटे में इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी। वाह, अब तुम देखती जाओ रिया, इस परिवार के हर इंसान के बीच में इतनी दूरियां पैदा कर दूंगी, किरण भाई का बेचारा सा परिवार बिखर के रह जाए। दीवार में दरार तो आ ही चुकी है, अब हमें सिर्फ इतना करना है कि उस दरार को बड़ी करते जाए। और तुम अच्छे से जानती हो कि सबसे बड़ी दरार कौन है? अमिता। अमिता, जा रहे हैं? जरूरी काम। अमित, आप परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? नहीं तो? मेरी बात तो सुनिए, मुझे प्लीज बताइए क्या हुआ। हर बात आपको बतानी जरूरी नहीं है अमिता। सॉरी, दरअसल क्या है ना कि आज मुझे बिजनेस की वजह से पापा से बहुत कुछ सुनना पड़ा, इसलिए। अमित, आपने पापा जी को बताया क्यों नहीं कि आपने वो पैसे काजल के पापा को दिए हैं? अगर आप उन्हें बता देते तो बात वहीं खत्म हो जाती ना। इसका मतलब आप मेरे और पापा के बीच की बात सब सुन रही थी? जी वो अमिता, हाँ या ना? क्यों अमित, मुझे आपकी फिक्र है कि मेरे परिवार वालों को मदद करने की वजह से आप कहीं तकलीफ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं तो अमिता, मेरे और काजल के पापा के बीच में जो भी हुआ वो उनके और मेरे बीच की बात, मेरे बिजनेस में जो भी हो रहा है मेरा मामला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूं, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, आप समझ गए? अमित, अब क्या हुआ? अब कुछ और सलाह देनी होगी, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। नहीं, मैं तो बस कहना चाहती थी कि आपने अपनी पैंट नहीं पहनी। हाँ तो? तो ये कि मेरी सलाह ये है कि आप अपनी पैंट पहन लीजिए, वैसे अगर आपको नहीं माननी तो इट्स ओके। नहीं नहीं, मैं ऑफिस जा ही नहीं रहा था ना, वैसे ही मेरा कमरा है ना। देखो ना, वाह वाह, अरे अमित कहाँ जा रहा है? नहीं, वो मेरी तरफ से जो क्लाइंट के अकाउंट में तूने पैसे जमा किए थे ना, वो तेरे अकाउंट में फिर से जमा करने जा रहा है। अमित, तुझे पैसे देकर तुझ पर एहसान थोड़ी ना किया था मैंने, भाई हूं मैं तेरा, और ये पैसे लौटाने की बात कर तू मुझे पराया मत कर, चला जा। लेकिन रोहन, मैं तुझे पैसे तो लौटाऊंगा। ओहो,
ठीक है, लौटा दे ना अभी तो आप। काका, काकी, ओम रिया, अमिता, रोहन, सबको बुलाने की क्या जरूरत है? अभी पता चल जाएगा यार, गुड न्यूज है। क्या? आप सबके लिए गुड न्यूज है, स्पेशली अमित के लिए। अमित को यूएस जाने का वीजा मिल गया है। वाओ! यस। और टिकट्स भी आ गए हैं। वेरी गुड। आज से ठीक 20 दिन बाद अमित यूएस के लिए रवाना होगा। बीस दिन में? नहीं नहीं, टिकट आगे की करवा लो। बिल्कुल नहीं फाल्गुनी, अमित अमेरिका छुट्टियां मनाने नहीं जा रहा है, अपना बिजनेस का प्रोजेक्ट खत्म करने जा रहा है, और ऐसे में ज्यादा रोकना ठीक नहीं है ना अमित? मम्मी पापा सही कह रहे हैं, जाना तो है 20 दिन बाद ही सही। अमिता, कंग्रेचुलेशन, अमित बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है, तुम्हारे लिए कितनी खुशी की बात है, नहीं? हाँ प्रीति बोल। अमू तुझे पता है शादी की पिक्चर्स कितनी अच्छी आई हैं? अरे वो एल्बम नहीं जो मैंने क्लिक की थी ना, वो वाली मैं तेको मेल कर दूंगी। लोग ना सही कहते हैं अमू कि जब लड़की को प्यार हो जाता है ना तो वो और खूबसूरत लगने लगती है। सच में अमू, जब से तूने मुझे बताया ना कि तुझे अमित से प्यार हो गया, मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अमू क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हाँ हाँ प्रीति, सब ठीक है, बोल। अमू बता मुझे क्या हुआ है, अमू सब सब ठीक तो है ना? अमित के यूएस जाने के टिकट्स आ गए, वो 20 दिन में यूएस जा रहे। क्या अमू तूने बात की अमित से? तूने उनको बताया कि? मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, कैसे बताऊं कि उनके यूएस जाने के बाद से ही मेरा दिल टूट गया। मैंने प्यार तो कर लिया, मुझे पता नहीं था कि मेरे प्यार की उम्र सिर्फ 20 दिन की है। हाँ मुंह वो सब ठीक है, लेकिन तू जानती है ना इस दिन का इंतजार तू बचपन से कर रही, कि तेरा राजकुमार आए और तुझे लेकर जाए, और आज जब तुझे वो राजकुमार मिल गया है तो तू उसे इतनी आसानी से जाने देगी, बिना लड़े हार मान जाएगी? अमू कम से कम एक बार बात तो कर अमित से कि वो जाना भी चाहता है या नहीं जाना चाहता। वो तो जाना ही चाहते है ना प्रीति। जब वो जाना चाहता था तब से लेकर अब तक में बहुत अंतर आ गया है। पर तू छोड़िए सब, मैं तुझे बताती हूँ तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। क्या? वो मैं तुझे कल मिलकर बताऊंगी, तू टेंशन मत ले। ओके ठीक है, बाय। चीयर्स। आखिर मुंह मीठा करने का वक्त आ ही गया। आई नो। उप्स। जब अमिता ने सुना कि अमित 20 दिन के लिए यूएस जा रहा है तो आपने उसकी वो रोती हुई वो सड़ी सी शक्ल देखी थी आपने? मजा आ गया। उसका चेहरा तो उतरना ही था। शादी को देने कितने में बेचारी के
और सब कुछ खत्म होने वाला है। ये टिश्यू का डब्बा भी उसकी शादी से ज्यादा चलता है। गुड वन मॉम। सेंस ऑफ ह्यूमर। कूल। चेहरा तो फल्लू भाभी का देखने लायक था। लाडला पहली बार दूर जो जा रहा है, दर्द तो उनके चेहरे पे दिखना ही था। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है मॉम, असली दर्द तो अब शुरू होगा जब अमित यूएस चला जाएगा और काका अकेले पड़ जाएंगे, तब बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में आ जाएगी। फिर धीरे धीरे शाह स्टॉक्स एंड ट्रेडर्स में ताला लग जाएगा और फिर हमारी कंपनी शुरू। वाओ! लेकिन प्लान अभी पूरा नहीं हुआ है रोहन, उसका अगला कदम बाकी है। हर कदम संभाल क्या? आप फिकर मत कीजिए मॉम, आप ही का बेटा हूं, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। अमित, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या आप कुछ पूछ रही थी? हाँ, वो क्या आप इस सबसे खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ, मैंने जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। मार्केट पिछले 6 महीने से इतनी तेजी पर है कि मेरे सारे क्लाइंट का बहुत फायदा होगा। अमित, तो दरअसल मैं आपके यूएस जाने की बात के बारे में पूछ रही थी, क्या आप खुश हैं? अमिता, वो फैसला मैंने इसलिए लिया था कि हम दोनों वही चाहते हैं, तो इस बारे में डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं। दोबारा सोचिए ना, मैं नहीं चाहती कि... क्या नहीं चाहती? कैसे बताऊं कि मैं उनसे प्यार करती हूं? कैसे बताऊं कि क्योंकि यूएस जाने के बाद से ही मेरा दिल टूट गया। मैं नहीं चाहती कि पापा जी अकेले पूरा बिजनेस संभाले, उन्हें आराम की जरूरत है ना। हाँ तो पापा अकेले कहाँ हैं? रोहन है उनके साथ। बेवकूफ इनकी, इतनी सी भी हिम्मत नहीं तुझमें। मिता अपनी दिल की बात कब बोलेगी? डरपोक। चल 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 चल। प्रीति, ये सब क्या है? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तू एक काम कर, ये पकड़। नहीं नहीं, नहीं ये मैं नहीं पकड़ूंगी, ये देना तो दे दे। अच्छा ओके बाबा, ये ले ध्यान से। हाँ आउच। हाँ चल चल। पर ये सब है क्या? ये सब ना फेंगशुई का सामान है, इसको घर में रखते हैं। मेरे पास इसकी बुक है, रुक मैं तुझे बताती हूँ। फेंगशुई? हाँ वो चाइना का वास्तु। हाँ ये देख। हाँ ये जो बुक है ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसको घर में रखने से पता है क्या होता है, घर की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, और हो सकता है तेरे और अमित के बीच की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए, और फिर अमित यूएस ना जाए, है ना? हाँ। अच्छा अमो, मेरे को ना बहुत बहुत प्यास लगी है, चल पानी पिला दे, आजा। हाँ एक सेकंड, चल। मछली कौन हमारा घर में लेके आया है? फाल्गुनी, अरे फाल्गुनी कहाँ हो? अरे चल आओ शुभा। क्यों आयो? हाँ ये देख,
ये कौन लाया? जय श्री कृष्णा बा। जय श्री कृष्ण। आप परेशान मत होइए जमुना बहन, ये सामान तो सब प्रीति का लगता है, अभी चला जाएगा यहाँ से। नहीं नानी, ये मेरा सामान है, मेरा मतलब हमारा सामान। ये मछली? अमिता, इन सब पर तुम क्या करोगी? मम्मी जी, ये फेंग शुई है, चाइना के वास्तु का सामान, ये घर के भाग्य के लिए अच्छा है। पर अमिता, हमारा घर तो वैसे भी वास्तु के हिसाब से ही बना हुआ है, अब फिर ये चीनी वास्तु। मैंने सुना है कि इससे घर में सुख शांति और प्यार फैलता है। ठीक ही तो कह रही है, देखिए नुकसान क्या होने वाला है, कुछ नहीं, क्यों जमना बेन? अरे हो सकता है इसी की वजह से अमित को यूएसए ना जाना पड़े। हमारा ख्याल रखने वाले हमारे कान्हा जी है, ये मछली क्या करेगी? अरे भगवान ने भी तो मत्स्य अवतार लिया था, याद है ना उस दिन हम लोग ने टीवी पे मत्स्य पुराण देखा था ना? भी अगर आप कहते हैं तो हम लोग प्रीति को बोल देते हैं, वो सब वापस ले जाएगी, है ना? नहीं नहीं, रहने दो, पर इसे कह दो कि मुझे घूर घूर के ना देखे। इसे? इसे। वाह, अबे रवान होने, ये प्यारी मछली है। ठीक है रख लो, पर मुझे मत दिखाना। खड़ी है खरौंद के विरुद्ध।